नमस्कार मेरे भाइयों और उनके भी भाइयों। तो यार इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम अपने फेस को गोरा कैसे कर सकते हो, यानी तुम अपने फेस की जो ब्राइटनिंग है उसको कैसे बढ़ा सकते हो। क्योंकि यार हम लोंडो को भी स्किन केयर की जरूरत पड़ती है, ब्राइटनिंग की जरूरत पड़ती है, ब्यूटी टिप्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम भी गोरे दिखना चाहते हैं। तो यार इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कुछ मेंस के लिए ब्यूटी टिप्स, और साथ ही साथ मैं तुम्हें इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि तुम अपने फेस से जो है टैनिंग को किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। यार बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला, या फिर तुमसे कुछ ऐसे बातें नहीं करने वाला कि भाई 7 दिनों के अंदर तुम्हारा फेस गोरा हो जाएगा या 4 दिन के अंदर तुम चमकने लगोगे। और जो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसे जब तुम एक रूटीन के साथ करोगे तो वो जरूर वर्क करेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं तुम्हें मेंस के कुछ ब्यूटी टिप्स। तो ब्यूटी टिप्स में सबसे पहली चीज है कि यार हम लड़कों की बहुत ज्यादा आदत होती है कि हम बालों में बार बार अपने हाथ को लेके जाते हैं, बालों को हर समय सेट करते रहते हैं, और उसके साथ साथ ही हम बालों से अपने हाथ को ले आते हैं अपने फेस पे। बार बार अपने हाथों से जो है अपने फेस को टच नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे हाथों में जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे फेस पे आ जाएंगे, और जब हम बार बार उसको टच करेंगे तो वो हमारे फेस से हमारे फेस की सेल्स में जाएंगे और वहां पर जाकर ब्लॉक हो जाएंगे। और जब ये चीज होगी तो भाई घंटा तुम्हारी फेस की ब्राइटनिंग नहीं बढ़ने वाली है। तो बार बार तुम्हें अपने फेस को टच नहीं करना है, बालों तक जाओ लेकिन फेस तक मत आओ। तो इस चीज को ध्यान रखो भाई, यही चीज अगर तुम बार बार करते रहोगे तो तुम्हारे फेस की ब्राइटनिंग नहीं बढ़ पाएगी। तो इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है बहुत ज्यादा केयरफुली। ये वाला जो वीडियो टिप है भाई, बहुत से लड़के इसके बारे में जानते होंगे लेकिन बहुत से लड़के इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे, तो मैं उनको ये बता रहा हूँ कि भाई जो तुम्हारा बॉडी सोप है उसको अपने फेस पर नहीं यूज करना है। देखो उसको अगर तुम अपने फेस पे यूज करोगे तो तुम्हें बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ेंगे। और तो और जो तुम्हारे फेस का पीएच होता है ये उसको मैसअप कर देगा, और जब तुम्हारे फेस का जो है पीएच मैसअप हो जाएगा तो भाई तुम्हें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी फेस पे, इवन तुम्हारी फेस की स्किन जो है डल हो सकती है, और साथ ही साथ तुम्हें एक्ने भी हो सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल कि तुम अपने सोप को अपने फेस पर मत यूज करो। बहुत से लोग जो है फेस वॉशेस को यूज करते होंगे, तो तुम्हें भी फेस वॉशेस की तरफ जाना चाहिए, एक्सेप्ट तुम सोप को फेस पे यूज करो। तो ये वाला ब्यूटी टिप भी तुम्हें याद रखना है अपने फेस की ग्लोइंग को बरकरार रखने के लिए। तीसरा ब्यूटी टिप ये है कि जब भी बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, उनके फेस की जब ब्राइटनिंग जो है कम होती है या फिर ग्लो कम होता है तो वो खुद से मार्केट पर जाते हैं और कोई स्किन केयर प्रोडक्ट ले आते हैं और उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, और बिना किसी स्किन स्पेशलिस्ट की राय लिए वो उस जब प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो कई बार उनको बहुत ज्यादा भारी नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो ऐसी सेम चीज हुई थी भाई मेरे एक फ्रेंड के साथ, उसकी जो स्किन की जो ग्लो है वो थोड़ा सा कम हो रहा था, या फिर उसने बिना किसी डॉक्टर के रिकमेंड के कोई प्रोडक्ट लिया और उसको यूज करा, गैस उसको एक्ने की प्रॉब्लम हो गई है और अब वो उसकी दवाई करवा रहा है। तो ऐसी कंडीशन तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट तुम स्किन स्पेशलिस्ट की रेकमेंड से ही यूज करो, उसके अलावा ऐसे ही यूज करने की जरूरत नहीं है। द लास्ट एंड द फाइनल थिंग कि तुम्हें अपने फेस को हाइड्रेटेड रखना है, जो है ज्यादा से ज्यादा यानी कम से कम 8 ग्लास पानी एक दिन में पीना ही पीना है। और लेकिन अगर तुम उसके ग्लो को भी बढ़ाना चाहते हो, उसमें जो है ब्राइटनिंग लाना चाहते हो, तो तुम लेमन बटर पीना शुरू कर दो। जब तुम लेमन बटर पियोगे तो गाइस ये तुम्हारे फेस की ब्राइटनिंग को थोड़ा सा ग्लो करेगा, एज वेल ये तुम्हारे फैट को भी थोड़ा सा बर्न करता है अगर तुम्हारे अंदर फैट है तो। मॉर्निंग में तुम इस चीज को कर सकते हो, अपने फेस को हाइड्रेट रख सकते हो, इसके साथ अपने फेस की ग्लोइंग को बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हो। टैनिंग रिमूव करने के लिए मैं बस तुम्हें 2 चीजें बताऊंगा और बहुत ज्यादा लंबी कोई थ्योरी नहीं बताने वाला हूं, तो उसको ध्यान से सुन लो और अगर इस चीज को कर लोगे तो तुम्हारे फेस से 100% टैनिंग रिमूव होगी। सबसे पहली चीज है कि तुम जो है लेमन को यूज कर सकते हो अपने फेस पे। तुम्हें क्या करना है, एक गोल मटोल लेमन लेना है और उसको एक स्लाइस को काट कर अपने फेस पर अच्छे से रब करना है। तुम चाहो तो स्क्वीज भी कर सकते हो, और जब तुम इसको 10 मिनट तक अपने फेस पर करोगे तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना,
देन उसके बाद तुम थोड़ा सा गर्म पानी, गर्म नहीं काइंड ऑफ वार्म वाटर, गुनगुना पानी तुम लेकर अपने फेस पर उससे वॉश कर लोगे। इसको एक रूटीन के साथ करोगे तो तुम्हें अपने फेस पर टैनिंग रिमूव होती हुई दिखाई देगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि तुम एक टैन रिमूवल यूज कर सकते हो अपने फेस, लेकिन खुद से नहीं खरीदना है, किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओ, उससे बात करो और वो जो रिकमेंड करे वो चीज लेना। ऐसे ही कोई प्रोडक्ट अपने फेस पर बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, इसके बहुत ज्यादा नुकसान तुम्हें झेलने पड़ सकते हैं। तो ये दो चीजें तुम कर सकते हो अपने फेस से टैनिंग को रिमूव करने के लिए।